हाय दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए मूवी लेके आई हूँ उसका नाम है अ रॉयल अफेयर, जो 2012 में रिलीज हुई एक डैनिश हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है। कहानी 18वीं शताब्दी में डेनमार्क के मानसिक रूप से बीमार राजा क्रिश्चियन सेवन के दरबार में स्थापित है और उनकी पत्नी ग्रेट ब्रिटेन की कैरोलीन और शाही फिजिशियन जोहान के बीच रोमांस पर बेस्ड है। 15 साल की उम्र में उसकी शादी उसके चचेरे भाई डेनमार्क और नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन सेवन से हो गई थी, जो एक मानसिक बीमारी से पीड़ित था, जिस वजह से रानी का अफेयर उसी के डॉक्टर के साथ शुरू हो गया। कहानी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन की राजकुमारी कैरोलीन को अपने बच्चों को एक पत्र लिखते हुए दिखाया गया है, जिसमें वो अपने बच्चों से सच बताने की बात करती है और बताती है कि जब उसकी बेटी का जन्म हुआ तो क्यों उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में कैरोलीन इंग्लैंड की बात करती है, क्योंकि वो डेनमार्क के क्रिश्चियन सेवन से शादी करने के लिए जाने वाली थी। क्रिश्चियन मानसिक रूप से बीमार इंसान है और जब कैरोलीन उससे मिलने आती है वो पेड़ के पीछे छिप जाता है। कैरोलीन को कला और शिक्षा का शौक है, लेकिन जब वो डेनमार्क आती है तो उसे बताया जाता है कि उसकी कई किताबें राज्य द्वारा प्रतिबंधित हैं। डिनर के बाद क्रिश्चियन की सौतेली माँ कैरोलीन की तारीफ करती है कि वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है, लेकिन क्रिश्चियन को उसकी तारीफ हजम नहीं होती और वो सबके सामने कैरोलीन को डांट कर उसकी इंसल्ट कर देता है। उसी रात अपने बेडरूम में क्रिश्चियन कैरोलीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कैरोलीना उसे धक्का दे देती है। क्रिश्चियन और कैरोलीन शादी से खुश नहीं है, लेकिन कैरोलीन अब प्रेग्नेंट हो जाती है। कैरोलीन क्रिश्चियन से मिलना बंद कर देती है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और राजा उसके बेडरूम में जाना बंद कर देता है। रानी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम फ्रेडरिक रखा जाता है। वहाँ क्रिश्चियन यूरोप की यात्रा पर निकल जाता है, लेकिन हैम्बर्ग पहुंचने पर उसकी मानसिक स्थिति उसका साथ नहीं देती। एक जर्मन डॉक्टर जोहान को राजा के निजी चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है और इसे दो आदमियों ने क्रिश्चियन के पर्सनल फिजिशियन के इंटरव्यू देने के लिए मनाया था, जिनका नाम कार्ल और ब्रांड है। ये दोनों किसी टाइम पर राजा के खास हुआ करते थे, लेकिन राजा की मौत के बाद इन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया गया और अब ये वापस से अपनी जगह पाना चाहते हैं। जोहान को अपॉइंट भी कर लिया जाता है और जब क्रिश्चियन यूरोप की यात्रा से वापस आता है, जोहान भी उसके साथ था। वहाँ कार्ल और ब्रांड भी राज्य में वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। जोहान के पिता एक जाने माने पुजारी थे। राजा जोहान को बहुत पसंद करने लगा था और वो राजा का बेहद करीबी दोस्त और विश्वास पात्र बन जाता है। राजा जोहान से कहता है कि उसकी पत्नी कैरोलीन में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो काफी बोरिंग औरत है। जोहान कहता है शायद वो बीमार होगी। राजा कहता है हाँ वो बीमार औरत है, मेरी जिंदगी का मलेरिया है, तुम उसका इलाज करो। अगले दिन कैरोलीन डॉक्टर के पास आती है, लेकिन बिना बात किए उसकी एक बुक लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो फिर से डॉक्टर से मिलती है और उसकी किताबों के कलेक्शन के बारे में तारीफ करती है। डॉक्टर रानी को अपने साथ घोड़सवारी करने के लिए इनवाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में महामारी फैलने लगती है और ये बीमारी केवल बच्चों को होती थी, इसीलिए बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें टीका लगवाना जरूरी था, लेकिन ये टीका 100% सेफ नहीं था। इस काम को मंजूरी देने की जिम्मेदारी राजा और रानी को दी जाती है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो सारा इल्जाम राजा रानी पर आए। राजा अपने बेटे को सबसे पहले टीका लगवाता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि टीका बाकी बच्चों के लिए सेफ है। जोहान राजा के बेटे प्रिंस फ्रेडरिक को टीका लगाने का इंतजाम करता है, इस वजह से उसे सम्मानित भी किया जाता है। प्राइवेट काउंसिल में क्रिश्चियन का बहुत कम प्रभाव है, उसे इन सब डिस्कशंस में शामिल नहीं किया जाता और देश के कानून ज्यादातर राजनेताओं द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन जोहान राजा से कहता है कि वो एक्टिंग करके अपने देश का भला कर सकता है। डॉक्टर जोहान राजा के लिए भाषण लिखना शुरू कर देता है, जिसमें वो खुद के विचारों को लिखता है, लेकिन जबान राजा की होती है और इस वजह से डेनमार्क में कई सुधार पारित कर दिए जाते हैं। कैरोलीन और जोहान एक दूसरे के विचारों से काफी प्रभावित होने लगते हैं। वैसे भी राजा को अपनी रानी की परवाह नहीं थी और न रानी को अपने राजा की। एक फंक्शन के दौरान दोनों डांस करते हैं और वो डॉक्टर के प्यार में पड़ जाती है और डॉक्टर को भी अपने पेशेंट से प्यार हो जाता है। दोनों लवेरिया का शिकार हो जाते हैं। रानी जोहान को एक लेटर भेजती है, उस लेटर को पढ़कर जोहान किचन में आता है। वहाँ उसे एक चाबी मिलती है और उस चाबी को लेकर वो रानी के कमरे में आता है। दरवाजा खुलता है, रानी अंदर ही होती है। उस रात जोहान और रानी उसी कमरे में इंटीमेट होते हैं। वहाँ राजा अब राज्य के कामों में दिलचस्पी लेने लगा था, जिस वजह से उसकी सौतेली माँ के हाथ से सत्ता फिसलती जा रही थी। उसे लगता है ये सब जोहान की वजह से हो रहा है। उन्हें ये भी पता चलता है कि जोहान एक जर्मन है और वो राज्य के खिलाफ साजिश कर रहा है और उसी ने राजा को इतनी बुद्धि दी है।
वहाँ रानी के कहने पर जोहान काउंसिल में खुद को शामिल करने के लिए राजा के पास जाता है। ये बात सौतेली माँ को अपने चमचों से पता लग जाती है और वो राजा और जोहान के आने से पहले ही काउंसिल के सामने उन लेटर्स को रख देती है जो जोहान ने जर्मन सरकार को लिखे थे, जिसमें किसानों से लेकर चर्च यहाँ तक कि क्रिमिनल्स के लिए भी कानून बदलने की बात कही गई थी। जोहान को राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन राजा ऐसा नहीं होने देता। वो पूरी काउंसिल को ही खारिज कर देता है। अब से अपने राज्य के निर्णय वो खुद लेगा। इस बीच डॉक्टर जोहान को एक रॉयल सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है और डॉक्टर राजा को उसे किसी भी कानून को पारित करने का अधिकार सौंपने के लिए राजी करता है, जिससे जोहान डेनमार्क का वास्तविक नेता बन जाता है। इन नियमों के कारण राज्य के काफी लोग खुश थे। वहाँ कैरोलिन डॉक्टर की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है, इसीलिए जोहान राजा को उसकी रानी के साथ फिर से सोने के लिए मना कर अपने आप को और रानी को सेव कर लेता है, ताकि ऐसा लगे वो राजा की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। डिनर के दौरान राजा अनाउंस करता है कि आज से वो अपनी रानी के साथ ही सोएगा। रानी जोहान से कहती है कि अब वो अपने बच्चों के खातिर जोहान से नहीं मिलेगी। वहाँ राजा के ऊपर अब काफी जिम्मेदारी आ गई थी राज्य की, लेकिन उसका मन इन सब कामों में नहीं लगता था। जिस पर जोहान राजा को एक पेपर पर साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा था कि राज्य या किसी दूसरे काम के लिए जोहान को राजा के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, सारा काम जोहान संभालेगा। राजा उस पेपर पर साइन कर देता है और अब जोहान राजा के बराबर है। अगले दिन कार्ल जॉन से उसका कर्जा माफ करने को कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। एक दिन सौतेली माँ रानी और जोहान के बीच रोमांस को नोटिस करती है और उसे उनके अफेयर का पता चलता है और वो महल की नौकरानियों से इस बारे में पूछती है और एक नौकरानी कंफर्म कर देती है कि रानी का अफेयर चल रहा है। वहाँ रानी को एक बेटी हो जाती है, राजकुमारी लुइस, जिसे राजा की बेटी माना जाता है। वहाँ सौतेली माँ और काउंसिल के लोग साजिश रचने लगते हैं कि राजा और जोहान से सारी पावर्स को कैसे छीना जाए। वो रानी और जोहान को रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं, उनके बिना राजा कमजोर हो जाएगा। सौतेली माँ रानी और जोहान के बारे में भद्दे पर्चे छपवा कर पूरे राज्य में बंटवा देती है और इन पर्चों के चर्चे राजा तक पहुँच जाते हैं। राजा ये पढ़कर पागल हो जाता है। जोहान राजा को समझाता है कि ये बस अफवाह है। राजा अपने दोस्त को माफ कर देता है और कहता है कि ये सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। सौतेली माँ और उसका वफादार और प्रमुख राजनेता ओवे जोहान के सुधारों के सख्त खिलाफ हैं। जोहान ओवे को महल से निकाल देता है और राजा को महल से निकलने के लिए मना कर देता है। राजा बोर ना हो इसलिए वो राजा को खेलने के लिए एक बच्चा देता है। उस बच्चे को देख राजा खुश हो जाता है। वहाँ सौतेली माँ अपने वफादार के साथ मिलकर अफवाहें फैला रहे हैं कि रानी अपने बेटे को मारकर अपनी बेटी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। डेनिश लोग भी दुखी हो जाते हैं जब ये स्पष्ट हो जाता है कि एक जर्मन आदमी जोहान का देश पर अधिकार है। सब राजा के कान भरने लगते हैं, लेकिन राजा किसी का यकीन नहीं करता। तब कार्ल को उसके कर्ज माफ करने और उसकी संपत्ति वापस करने का लालच दिया जाता है और कार्ल राजा को झूठ कहता है कि डॉक्टर और कैरोलिन उसकी हत्या करने और डेनमार्क पर शासन करने की योजना बना रहे हैं। राजा से जबरदस्ती रानी और जोहान की गिरफ्तारी के पेपर्स पर साइन करवाया जाता है। इस प्रकार राजा को गुमराह किया जाता है। कैरोलिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि जोहान को मौत की सजा सुनाई जाती है। राजा जोहान के लिए एक माफीनामा जारी करता है। वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त मर जाए, लेकिन कार्ल इसे समय पर जारी होने से रोक देता है और जोहान का सिर काट दिया जाता है। ओवे डेनमार्क का नया वास्तविक नेता बन जाता है और जोहान के कई कानूनों को रद्द या फिर उल्टा कर दिया जाता है। कार्ल का कोई कर्ज माफ नहीं किया जाता, उसे धोखा दिया जाता है। डेनमार्क राज्य की हालत बदतर होने लगती है। रानी को राज्य से निकाल दिया जाता है और जर्मनी भेज दिया जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। रानी बताती है कि वो एक बीमारी से मर रही है। 10 साल बाद प्रिंस फ्रेडरिक और राजकुमारी लुइस को अपनी माँ के खत मिलते हैं। वो उन खत को पढ़ते हैं। फ्रेडरिक 16 साल की उम्र में डेनमार्क का राजा बन जाता है और फ्रेडरिक जोहान के सुधार के तरीकों को लागू करता है। डेनमार्क की हालत बेहतर हो जाती है। सौतेली माँ और उनके वफादारों को राज्य से निकाल दिया जाता है और दोनों बच्चे अपनी माँ के पास वापस आ जाते हैं। फ्रेडरिक ने 55 साल तक डेनमार्क पर राज्य किया और उसे खुशहाल राज्य बनाया और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।